हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास. दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली वर्कशीट नंबर 67 एंड इट इज ओनली फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स. इट हैज टेकन फ्रॉम द सब्जेक्ट सोशल साइंस ज्योग्राफी एंड वी विल लर्न एंड अंडरस्टैंड एंड स्टार्ट अ न्यू चैप्टर लेसन नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इन दिस वर्कशीट. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि ज्योग्राफी का लेसन है, लेसन नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. जैसा कि एज वी ऑल नो, हम सब जानते हैं कि इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है. इंडिया इज़ वन ऑफ द मेन 12 बायोडाइवर्स कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. यानी यह दुनिया के उन 12 देशों में से एक है जहां पर कि जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है. अबाउट 47,000 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड अबाउट 90,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस आर फाउंड इन इंडिया. आप जानते हैं हमारे यहां पर 47,000 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं, यानी प्लांट्स की 47,000 डिफरेंट स्पीशीज, अलग अलग प्रजातियाँ. 90,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स यानी 90,000 से भी ज़्यादा प्रजातियों के जीव जंतु हमारे यहाँ पाए जाते हैं, जिनमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार की फिशेज भी हैं जो कि इंडिया में पाई जाती हैं. अब आपको पता चला कि हमारी कंट्री डाइवर्स कंट्री है ही, यानी वहाँ पर डाइवर्सिटी तो है, हर चीज़ में डाइवर्सिटी है, तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. सो विल टेक आर फर्स्ट टॉपिक नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है? नेचुरल वेजिटेशन दैट पार्ट ऑफ द वेजिटेशन विच अराइज ऑन इट्स ओन. देखो यहीं पर इससे हमें समझ में आ रहा है कि वनस्पति का वो भाग जो अपने आप से विदाउट द हेल्प ऑफ मैन एंड डज नॉट हैव ह्यूमन इफेक्ट ऑन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. यानी जो वनस्पति का वह भाग जो अपने आप से उग जाता है, यानी बिना किसी इंसान के हेल्प के और लंबे समय तक उस पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी का इफेक्ट नहीं होता, तो उसको हम नेचुरल वेजिटेशन तो कहते ही हैं. एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड वर्जिन वेजिटेशन. और इसको हम वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं क्योंकि इसे किसी प्रकार पर इस पर किसी भी प्रकार का ह्यूमन इफेक्ट नहीं पड़ा. द टर्म प्लांट किंगडम refers to the origin of plants in a particular area at a given time. यानि एक word है, देखिए plant kingdom यानि वनस्पति जगत भी बोलते हैं हम उसको हिंदी में. तो इसका क्या मतलब होता है कि एक particular area में एक निश्चित समय पर एक particular area में जो वहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, उनका origin होता है, उनको हम वहाँ का plant kingdom कहते हैं. अब आपको समझ में आ रहा है. अब इन plants में या wild life में diversity क्यों है? सो the following आर द reasons फॉर द diversity इन flora एंड fauna. यानी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ में डाइवर्सिटी के क्या reasons हैं, अब हम उनको समझने वाले हैं. सो लेट्स टेक अ लुक. सो फर्स्ट इज ग्राउंड reasons. ग्राउंड reasons में फर्स्ट इज terrain. terrain means, देखिए देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल फीचर्स इन इंडिया, जस्ट लाइक माउंटेन्स, plateaus, plains, desert, तो उनको हम terrain कहते हैं. एग्रीकल्चर इज़ डन ऑन फर्टाइल लैंड. ये हम सब जानते हैं कि फर्टाइल लैंड पर ही एग्रीकल्चर की जाती है. देयर आर फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड्स ऑन द रफ एंड फ्लैट लैंड इन विच वाइल्ड एनिमल्स गेट शेल्टर. और बहुत सारे फॉरेस्ट और जो ग्रास लैंड हैं वो रफ लैंड पर भी हैं, फ्लैट लैंड पर भी हैं, ठीक है, और वो ही उनमें ही डिफरेंट टाइप के एनिमल्स भी रहते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से जैसी ज़मीन होगी, जैसा लैंड होगा ना, वैसे ही वहाँ पर वेजिटेशन होगा और वहाँ पर एनिमल्स भी वैसे ही होंगे. देन सेकेंड इज सॉइल. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस. एज वी ऑल नो कि हमारे इंडिया में डिफरेंट प्लेसेस हैं और डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल भी हमें मिलती है, विच इज़ द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. और जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन जो वनस्पति है उसका आधार होता है. यानी जैसी सॉइल होगी वैसी ही वहाँ पर वेजिटेशन भी होगी. देन नेक्स्ट रीज़न इज क्लाइमेट. अब इस रीज़न के अंडर में तीन सब रीज़न्स आते हैं. दैट मीन्स तीन कारण आते हैं. फर्स्ट इज टेम्परेचर. देखिए टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है कहीं पर भी वहाँ की वेजिटेशन पर या जो वहाँ पर
एनिमल्स रहते हैं उन सब पर. द वराइटी एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर. यानी किसी जगह पर वहाँ पर प्लांट्स कैसे होंगे, वहाँ की वेजिटेशन कैसी होगी, ये वहाँ के एयर में जो उसकी ह्यूमिडिटी होती है और वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ये इस पर डिपेंड करता है. सेकेंड इज सनलाइट. ट्रीज ग्रो क्विकली इन द समर सीजन ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ अ लाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम. और आपने देखा होगा कि खासतौर से गर्मियों के सीजन में जब लॉन्ग टाइम तक सनलाइट रहती है उसमें ट्रीज जल्दी ग्रो करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है. थर्ड इज रेनफॉल. इन एरियाज विद मोर रेनफॉल डेंसर फॉरेस्ट आर फाउंड देन एरियाज विद लेस रेनफॉल. देखिए जहाँ पर ज़्यादा बरसात होती है वहाँ पर हमेशा डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं कंपैरेटिवली टू जहाँ पर कम बरसात होती है. जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया आपने देखा है ना कितना हरा भरा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है. तो जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगा वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट, वहाँ की वेजिटेशन भी बहुत ज़्यादा होगी. ये सब चीज़ें हमारे इस वेजिटेशन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं. तो दीज आर द रीजन्स. नाउ विल मूव ऑन लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वर्कशीट, वाई फॉरेस्ट आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन. देखिए हम सब जानते हैं कि जो फॉरेस्ट है वो ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे, लेट्स सी. देखिए फर्स्ट रीजन इज फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड प्ले अ मेजर रोल इन एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट. फॉरेस्ट जो होते हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, यानी हम उनका बार बार यूज़ कर सकते हैं और किसी भी जगह के एनवायरनमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सेकेंड इज दीज हेल्प्स इन परमानेंट क्लाइमेट्स कंट्रोल सॉइल इरोजन एंड स्ट्रीम फ्लोज ऑफ रिवर. यानी वहाँ भाई जहाँ पर भी ये फॉरेस्ट होते हैं वहाँ का क्लाइमेट को कंट्रोल करके रखते हैं, सॉइल इरोजन बहुत कम होता है और यहाँ तक कि जो फ्लड आने का जो एक ख़तरा होता है वो भी नहीं होता, क्योंकि ये जो है रिवर्स की स्ट्रीम फ्लो को कंट्रोल करते हैं. इट इज़ द बेसिस ऑफ मैनी इंडस्ट्रीज एंड प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू मैनी कम्युनिटीज़. ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ का बेसिस होते हैं. बेसिस क्या है, मतलब कि ये जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो यहाँ से बहुत कच्चा माल लेती हैं इन फॉरेस्ट से ही, और बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लाइवलीहुड के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो कि केवल इन्हीं पर ही बेस्ड होती हैं. यहाँ पर अपने जितने कैटल्स होते हैं उनको वो चराते हैं और यहाँ से लकड़ियाँ लेते हैं, तो उनकी जो जीविका है वो इसी पर ही डिपेंड होती है. फोर्थ इज़ अट्रैक्ट टूरिस्ट ड्यू टू पैनोरामिक नेचुरल सीनरी. यानी ये क्या करते हैं, नेचुरल सीनरी को और एनहांस करते हैं, बहुत मनोरम दृश्य प्रदान करते हैं जिससे टूरिस्ट यहाँ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. फॉरेस्ट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल एंड शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल्स. फॉरेस्ट जो होते हैं वो सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं. ह्यूमस जानते हैं ना कि जो पेड़ पौधे जो सड़ गल जाते हैं वो इस मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे सॉइल में ह्यूमस की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाती है और वो और ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है. और ये वाइल्ड एनिमल्स का शेल्टर भी हैं, तो इसलिए ये ह्यूमंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं और वाइल्ड एनिमल्स के लिए भी. सो नाउ वी विल मूव ऑन आर क्वेश्चन आंसर सेक्शन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वर्जिन वेजिटेशन. व्हाट इज वर्जिन वेजिटेशन, लेट्स सी द आंसर नंबर वन. सो हेयर इज़ योर आंसर नंबर वन. आपको यहाँ से लिखना है, मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ. दिस इज़ योर आंसर नंबर वन. दैट पार्ट ऑफ वेजिटेशन विच अराइज ऑन इट्स ओन विदाउट द हेल्प ऑफ मैन एंड डज नॉट हैव ह्यूमन इफेक्ट ऑन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट इज़ कॉल्ड वर्जिन वेजिटेशन. आपको यहाँ तक लिखना है. नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू इज़ वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई प्लांट वर्ड. प्लांट वर्ड से क्या समझते हैं, अभी ऊपर हमने समझा ही है. Take a look. So here is your answer number टू. This is your answer number टू. The term plant kingdom or plant world भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं. Refers to the origin of plants in a particular area at a given time. यानी एक given time में, एक particular area में जो plants का origin होता है उसको हम वहाँ का plant world कहते हैं. Now let's move on question number थ्री. क्वेश्चन थ्री इज ब्रीफली एक्सप्लेन द रीजन्स फॉर डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना. अभी अभी हमने समझा कि फ्लोरा एंड फौना में की डाइवर्सिटी के पीछे क्या रीजन्स हैं, उन्हें हमें एक्सप्लेन करना है. लेट्स टेक अ लुक ऑफ आंसर नंबर थ्री. सो हेयर इज योर आंसर नंबर थ्री. आपने यहाँ से लिखना है, दिस इज योर आंसर नंबर थ्री. ग्राउंड रीजन्स टेरेन, आपने ये यहाँ तक लिखना है, मैं मार्क करवा रहा हूँ आपको. फिर सॉइल सेकेंड पॉइंट,
इसके बाद क्लाइमेट में 3 पॉइंट्स हैं, आपने इस पूरे को आपने आंसर नंबर 3 में लिखना है, ठीक है। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी फॉर अर्थ, वन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। लेट्स टेक अ लुक ऑन आंसर नंबर 4। सो हेयर इज योर आंसर नंबर 4। आपने यहाँ पर 5 पॉइंट्स हैं, 5 मिनट से एनी 3 लिखने हैं। आप याद रखिएगा, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने 3 पॉइंट्स लिखने हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने 5 पॉइंट्स लिखने हैं। इस तरह से आपको ये आंसर नंबर 4 यहाँ पर लिखना है। मैंने मार्क करवा दिया, आपको इतना ही लिखना है। एक्सप्लेन मैंने पहले ही कर दिया था, तो आप वीडियो को बैक करके भी इसकी एक्सप्लेनेशन को सुन सकते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न है कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लें, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।